आज हम ध्रुव स्वामी नाटक की तात्विक समीक्षा पढ़ेंगे। तात्विक समीक्षा का तात्पर्य है कि किसी नाटक का निर्माण जिन तत्वों से मिलकर होता है, उन तत्वों के आधार पर हम उस नाटक की समीक्षा करते हैं कि वह नाटक उन तत्वों के साथ न्याय करने में कितना सफल हो पाया है कि असफल हो पाया है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का यह ऐसा प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक की तात्विक समीक्षा, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसका उत्तर आपको इन बिंदुओं के आधार पर लिखना होता है। सबसे पहले प्रस्तावना, इसके बाद कथा वस्तु अथवा कथानक, इसे बोला जाता है प्लॉट। इसके बाद पात्र और चरित्र चित्रण, कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन, जो पात्र होते हैं नाटक के और उसका चरित्र चित्रण कैसे हुआ है, कैरेक्टराइजेशन कैसे किया है नाटककार ने। इसके बाद कथोपकथन अथवा संवाद योजना, डायलॉग्स, डायलॉग्स कैसे हैं इसके, भाषा शैली, उसकी भाषा लैंग्वेज कैसी है, और रंगमंचीता अथवा अभिनेता, मतलब क्या इसे मंच पर सही ढंग से अभिनीत किया जा सकता है कि इसके जो पात्र हैं वो उसको सही ढंग से उसको अभिनय कर सकते हैं मंच पर आकर, थिएटर पर इसे मंचित किया जा सकता है कि नहीं, थिएटर पर इस नाटक को खेला जा सकता है कि नहीं, इसे बोला जाता है रंगमंचीता अथवा अभिनेता। इसके बाद देश काल और वातावरण, मतलब उस समय का देश काल और वातावरण कैसा है, किन परिस्थितियों का उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है और किस प्रकार का वातावरण उन्होंने अपने उसमें निर्मित किया है नाटक में। इसके बाद उद्देश्य, इस नाटक को लिखने का नाटककार का उद्देश्य क्या है और वह उस उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना सफल हुआ है, और अंत में निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करें, साथ ही मेरे वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक की तात्विक समीक्षा, तत्व मैं बता चुका हूं कि इन तत्वों के आधार पर हमको किसी नाटक की समीक्षा करनी होती है, उसकी चर्चा हमने की। यह इंट्रोडक्शन आपको हर प्रश्न में लिखना होता है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। ध्रुव स्वामी, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उनकी बहुचर्चित नाटक कृति है जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल से संबंधित है। समुद्रगुप्त नाम के बहुत बड़े शासक हुए हैं जिन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उनके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो ये जो चंद्रगुप्त, यही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भारतीय इतिहास में जानते हैं। यह उन्हीं के समय से संबंधित नाटक है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण दिए हैं। उन्होंने बताया कि यह जो नाटक है वह ऐतिहासिक नाटक है। उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में यह घटना अंकित है जिसमें ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। विशाख दत्त नाम के संस्कृत के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं। उन्होंने एक नाटक लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, और उसी नाटक में यह बताया गया है कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसका पुनर्विवाह, पुनर्विवाह मतलब री मैरिज, एक महीना पहले मैरिज कर चुकी है, उसके बाद डिवोर्स देकर दोबारा मैरिज करती है, दोबारा शादी करती है, उसे बोलते हैं पुनर्विवाह। तो ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्य कृति है। यह नाटक उनकी नाट्य कला का नवीन उन्मेष है। प्रसाद आरंभ में हिंदी नाट्य कला को एक का जो एक निश्चित रूप प्रदान करना चाहते थे, ध्रुव स्वामिनी में उसकी प्रतिछवि देखी जा सकती है। प्रतिछवि मतलब प्रतिबिंब। इस नाटक में नाट्य वस्तु और नाट्य शिल्प का सम्यक विनियोजन एवं सामंजस्य लक्षित होता है। वास्तव में जो जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी नाटकों पर प्रायः यह आरोप लगाया जाता था कि उनके नाटक जो हैं पाठ्य कम है, पढ़े जाने योग्य अधिक है, अभिनय कम है। मतलब उनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और विभिन्न प्रकार के जो दृश्यों का वह संयोजन करते थे अपने नाटकों में, जो विभिन्न प्रकार का जो दृश्य डालते थे, उन नाटकों को मंच पर अभिनित कर पाना बहुत ही कठिन था, उनको दिखाया जाना बहुत ही कठिन था, साथ ही उनकी भाषा भी बहुत कठिन होती थी। इसीलिए यह आरोप उन पर लगता था कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक केवल पाठ्य हैं, पढ़ने योग्य हैं, उन्हें मंच पर अभिनित नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने जब ये अंतिम नाटक लिखा ध्रुव स्वामी, दुर्भाग्यवश उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यह उनका अंतिम नाटक है।
तो अंतिम नाटक में उन्होंने अपना जितनी भी प्रतिभा थी, जितना भी टैलेंट था, सब कुछ लगा दिया और वे नाटक को जिस रूप में देखना चाहते थे उस रूप में दिखाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। तो इस नाटक में न केवल कंटेंट, न केवल नाट्य वस्तु, बल्कि नाट्य शिल्प, मतलब शिल्प मतलब कैसे उसको मंचित करना है, इन दोनों का ही बिल्कुल कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, सामंजस्य दिखाई देता है। नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव सामनी की समीक्षा निम्नलिखित है। जो ऊपर हमने नाटक के सात तत्वों का उल्लेख किया है उसके आधार पर अब हम इस नाटक की समीक्षा करेंगे कि वह नाटकों के मापदंडों पर किस प्रकार खरा उतरता है वह नाटक। पहला है कथा वस्तु अथवा कथानक, जिसे प्लॉट कहते हैं। जैसे फिल्मों का प्लॉट होता है वैसे ही नाटकों का भी प्लॉट होता है, जिसे बोलते हैं कथा वस्तु अथवा कथानक। कथा वस्तु किसी भी नाटक का मूल आधार होता है, जिसके आधार पर संपूर्ण नाटक का खाका खींचा जाता है। ध्रुव सामनी नाटक तीन अंकों में विभक्त है। तो यह प्लॉट क्या होता है, जिसके आधार पर वो पूरा नाटक का निर्माण होता है, नाटक को लिखा जाता है, इसे बोलते हैं कथा वस्तु अथवा कथानक। तो ध्रुव सामनी का जो नाटक है यह तीन अंकों में विभाजित है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था, परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे के कारणों की पड़ताल की गई है। मतलब ऐतिहासिक रूप से यह तथ्य सही साबित हुआ है कि जो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके उनकी पत्नी से विवाह कर लिया था। लेकिन इसमें उन कारणों की जांच पड़ताल की गई है कि वो कौन सी मजबूरियां थी, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण चंद्रगुप्त को अपने भाई को मारकर उनकी पत्नी से शादी करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर और विलासी प्रकृति का था और सम्राट बनने के लिए सर्वथा अयोग्य था, मतलब बहुत ही कायर था। अब कोई कायर है, डरपोक आदमी किसी उसका शासक बन जाएगा राज्य का, तो राज्य की रक्षा तो हो नहीं सकती, और विलासी प्रवृत्ति का था, दिन भर शराब शबाब और कबाब में डूबा रहता था और सम्राट बनने के लिए पूरी तरह से अयोग्य था। इसलिए सम्राट चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जब वो देखा कि मेरा बड़ा बेटा बेकार है, फालतू है, तब उन्होंने अपने छोटे बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सम्राट बनाने के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। परंतु रामगुप्त अपने अमात्य मतलब मंत्री, परंतु जो उनका बड़ा बेटा रामगुप्त था वह अपने मंत्री शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रखता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, और चंद्रगुप्त के वागदत्ता, वागदत्ता मतलब फैंसी या मंगेतर अथवा प्रेसी, ध्रुव स्वामी से विवाह कर लेता है। तो षड्यंत्र करके ध्रुव स्वामी से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और वास्तव में यह ध्रुव स्वामी होती है चंद्रगुप्त की मंगेतर होती है, फैंसी होती है। इस प्रकार ध्रुव स्वामी नाटक की कथावस्तु अत्यंत रोचक है, सरस है, वह सुगठित है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। मतलब दर्शक अगर इस नाटक को देख रहा है तो हिल भी नहीं सकता, इतनी बढ़िया नाटक है, जो सहज व स्वाभाविक रूप में विकसित होती है। इसमें सर्वत्र रोचकता एवं जिज्ञासा बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या हो गया, अब क्या होगा, ऐसी जिज्ञासा। जैसे कोई हमारे रहस्यात्मक जो फिल्में होती हैं उसमें हम सोचते हैं कि अब क्या हो गया, अब क्या होगा, तो ऐसे ही इसमें रोचकता और जिज्ञासा बनी रहती है। गीतों के समावेश से कथा वस्तु और अधिक मार्मिक, संवेदनशील और प्रभावशाली बन गए। इसमें समय समय पर उन्होंने कुछ गीत भी डाले हैं, कुछ गीतों की योजना की है। जो गीत उन्होंने डाले हैं वे बहुत ही मार्मिक हैं, दिल को छू लेने वाले हैं, इमोशनल हैं और बहुत ही इफेक्टिव हैं, प्रभावशाली हैं। अब पात्र और चरित्र चित्रण, किस प्रकार के पात्रों की उन्होंने योजना की है और उनका कैरेक्टराइजेशन कैसे किया है, चरित्र चित्रण कैसे किया है। किसी भी नाट्यकृति की सफलता और असफलता में पात्र योजना निर्णायक भूमिका निभाती है। पात्र ही कथा वस्तु को गति प्रदान करते हैं। मतलब पात्रों के जो आपस के संबंध होते हैं, जो आपस की संवाद योजना होती है, जो डायलॉग्स होते हैं, वही क्या है किसी नाटक को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पात्र और उनके संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। नाटक के प्रमुख पात्रों में चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, शकराज व शिखर स्वामी को लिया गया। नाटक के जो मुख्य पात्र हैं कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त हैं, फिर ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी उस राज्य की राजकुमारी है जिसको उनके पिता समुद्रगुप्त ने जीता था, और रामगुप्त, चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त। शकराज, शकराज क्या है, जो इस पर आक्रमण करता है गुप्त साम्राज्य पर, वह शिखर स्वामी को लिया गया है। शिखर स्वामी कौन है, शकराज के
शिखर स्वामी उनके मंत्री हैं, अमात्य। इसका मंत्री है क्यों ना, रामगुप्त का मंत्री शिखर स्वामी इसको लिया गया। जबकि गौड़ पात्रों में मिहिरदेव शकराज के गुरु हैं या आचार्य हैं, शकराज है उनके गुरु हैं मिहिरदेव, और मंदाकिनी नाम की एक पात्र है और एक कोमा है। कोमा को मिहिरदेव ने गोद लिया है। मिहिरदेव की मेटी बेटी कौन है? कोमा। कोमा को मिहिरदेव ने गोद लिया है और कोमा शकराज से प्यार करती है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी नाटक का नायक है। वह वीरता पराक्रम तथा मानवीय गुणों से युक्त है। ध्रुव स्वामी का पात्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ वह व्यक्तिगत कष्टों की अभिव्यक्ति करती है तो वहीं दूसरी ओर नारी पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाकर नाटक की मूल समस्याओं की ओर संकेत भी करती है। तो इस नाटक में ध्रुव स्वामी न केवल अपने कष्टों का उल्लेख करती है, उनका अभिव्यक्ति प्रदान करती है, बल्कि महिलाओं पर नारियों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाती है, अपनी आवाज बुलंद करती है। इस प्रकार वह नाटक की मूल समस्याओं की ओर संकेत करती है। इस प्रकार पात्र योजना के आधार पर ध्रुव स्वामी एक सफल नाटक है। पहले हमने देखा कथा वस्तु के आधार पर बिल्कुल सफल नाटक है और पात्र योजना के आधार पर भी सफल नाटक है। तो दो स्टेज में यह पास हो जाता है। तीसरा देखते हैं, कथोपकथन या संवाद योजना, डायलॉग्स, मतलब विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर आपस में कैसे संवाद करते हैं, कैसे डायलॉग बोलते हैं, क्या इनके संवाद संप्रेषणीय हैं, क्या वे कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने आइडियाज को, इसको हम देखेंगे। संवादों की मधुरता, मधुरता मतलब बहुत ही मीठे और प्रिय यहाँ पर संवाद की योजना की है उन्होंने। सजीवता, बहुत ही जीवंत, स्वाभाविक, बहुत ही स्वाभाविक डायलॉग पर ही नाटक के भले व बुरे होने का निर्णय होता है। मतलब संवाद कितने मधुर हैं, सजीव हैं, जीवंत हैं, स्वाभाविक हैं, इनके आधार पर ही हमको पता चलता है कोई नाटक अच्छा है कि खराब है। ध्रुव स्वामी नाटक के संवादों की प्रथम विशेषता है उनका माधुर्य। बहुत ही मीठे और बहुत ही प्यारे संवाद इन्होंने यहाँ पर उनकी योजना की है। प्रसाद ने मधुर भाषा का प्रयोग किया है, वह सरल संस्कृत शब्दों को अपनाया है जो ऐसी जान पड़ती है कि किसी प्रांत की बोलचाल की भाषा ही हो। जैसे शकराज, क्या कहा, मर्यादा। भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और व्यधित रहता है, यह उनकी दयनीय दशा है। तो ये शकराज का कोटेशन है। ये अगर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं परीक्षा में तो इन कोटेशन को जितना अधिक से अधिक आप डालेंगे उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे। मूल्यांकनकर्ता के दिमाग में यह बात आती है कि ये जो छात्र है, यह छात्रा है, इसने टेस्ट बुक का बहुत ही गहराई से और गंभीरता से अध्ययन किया है। तो आप प्रयास करिए कि जब भी आप नाटक का उत्तर लिख रहे हैं तो जो डायलॉग्स हैं कैरेक्टर्स के, जो विभिन्न प्रकार के पात्रों के जो संवाद हैं उनका उल्लेख अवश्य करें और उन्हें याद करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामी के संवाद बड़े सजीव और आकर्षक हैं, बहुत ही जीवंत संवाद है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। वस्तुतः इस नाटक की संवाद योजना सर्वत्र स्थिति के अनुकूल है। मतलब इस नाटक में जो भी संवाद योजना की गई है, डायलॉग की जो व्यवस्था की गई है, डायलॉग की और संवाद योजना जो बनाई गई है वह पात्रों के अनुकूल है और परिस्थितियों के अनुकूल है। प्रसाद ने बोलने वाले पात्र के वैचारिक और मानसिक स्तर का भी ध्यान रखा है। मतलब बोलने वाला पात्र यदि बहुत ही विद्वान है, पढ़ा लिखा है, संस्कृत का विद्वान है, आचार्य है, तो उसकी भाषा अलग होगी। जो आम जनता है उसकी भाषा अलग होगी। जो राजकुमार है, राजकुमारी है, उनकी भाषा अलग होगी। तो उनके जो वैचारिक और मानसिक, जो उनकी पृष्ठभूमि है, जो उनका बैकग्राउंड है, इसका उन्होंने ध्यान रखा है। इस प्रकार ध्रुव स्वामी इस स्टेज पर भी पास हो जाता है कि यह बहुत ही बढ़िया, इस पर इसमें संवाद की व्यवस्था की गई है। तो संवाद योजना की दृष्टि से यह एक सफल नाटक कहा जा सकता है। अब भाषा शैली, भाषा शैली कैसा, लैंग्वेज कैसी है इसकी। ध्रुव स्वामी नाटक की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा विषय अनुकूल है। मतलब कोई दर्शक जब नाटक देखने आता है, थिएटर में नाटक देख रहा है, यदि उसको डायलॉग समझ में नहीं आते, पात्रों को जो संवाद है बहुत कठिन महसूस होते हैं, तो वह उबकर बाहर चला जाता है, उसको देखना नहीं चाहता। लेकिन ध्रुव स्वामी नाटक की जो भाषा है वह सरल है, स्वाभाविक है और विषय अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं। इस नाटक की भाषा में प्रसाद ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि वह कवित्व एवं दार्शनिकता से बोझिल न होने पाए, क्योंकि बहुत ही दार्शनिक टाइप के व्यक्ति थे प्रसाद और बहुत ही कवित्वपूर्ण व्यक्ति थे। बहुत ही बेहतरीन कविताएं उन्होंने लिखी है, कामायनी आप का अध्ययन कर सकते हैं और भी बहुत हैं। मतलब भारत में जितने भी महान लेखक या कवि हुए हैं उनमें बहुत ही जीनियस व्यक्ति थे जयशंकर प्रसाद। तो वो जो लिखते थे उसमें कविता का पुट पाया जाता था, उसमें दार्शनिकता भी पाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर यह जो नाटक है यह उनके कवित्व और दार्शनिकता से बोझिल नहीं है। प्रसाद ने तनावपूर्ण भाषा का सबसे अधिक व सरल प्रयोग ध्रुव स्वामी नाटक में किया है। भले यहाँ पर भाषा बहुत ही तनावपूर्ण है, तनावपूर्ण भाषा मतलब
दो करेक्टर के बीच में जो डायलॉग्स हैं वे बहुत ही तनावपूर्ण है, एक संवेदनशील है और बहुत ही तनाव की सृष्टि करते हैं, और बहुत ही सरल प्रयोग उन्होंने किया है। सरल तनाव मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन, दो करेक्टर के बीच मतभेद, अंतर्द्वंद। ध्रुव स्वामी कहती है, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूं। ध्रुव स्वामी और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। कोमा, वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, उत्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूं। तो ये डायलॉग है, ये ओरिजिनल टेस्ट से लिए गए हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको कोट जरूर करें, क्योंकि संवाद योजना अगर आप बता रहे हैं और संवाद आपने एक दो नहीं बताया तो आपको अंक अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो आप जरूर कुछ डायलॉग्स याद करके लिखें दो करेक्टर के बीच। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि प्रसाद नाटकीय भाषा लिखने में सर्वथा सक्षम थे। तो इस प्रकार यह संवाद योजना के आधार पर भी यह नाटक एक सफल कृति है और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने यहाँ पर संवाद योजना की है। अब यह सबसे महत्वपूर्ण है, रंगमंचीता या अभिनेता, क्या पात्रों के द्वारा इसे रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा सकता है? क्या विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, जो किरदार हैं, उनको सही ढंग से हम मंच पर अभिनीत कर सकते हैं कि नहीं? थिएटर में इसका मंचन किया जा सकता है नहीं, क्योंकि जो नाटक होते हैं वास्तव में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए लिखे जाते हैं। इसीलिए संस्कृत साहित्य में नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। दृश्य काव्य, जिसमें काव्य जैसी हमको अनुभूति हो और जिसको हम देख भी सकें। तो अब हम देखते हैं कि रंगमंचीता अथवा अभिनेता के आधार पर क्या यह जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसे मापदंडों पर यह नाटक खरा उतरता है कि नहीं। किसी भी नाटक कृति की सफलता के लिए परम आवश्यक है कि उसमें अभिनेता का गुण, अभिनेता मतलब उसको अभिनीत किया जा सके मंच पर, थिएटर पर। ध्रुव स्वामी नाटक अभिनेता और रंगमंच की दृष्टि से एक प्रौढ़ कृति है। प्रौढ़ कृति है मतलब बहुत ही मैच्योर या सफल कृति है, मतलब बहुत ही सफल कृति है, बहुत ही मैच्योर कृति है, प्रौढ़ कृति है, मतलब कला की ऊंचाइयों तक पहुंचा है नाटक। नाट्य कला की बहुत ही शीर्षस्थ पोजीशन में यह नाटक आज पहुंचा हुआ है। इस नाटक में रंगमंच के लिए आवश्यक सभी संकेतों का सृजन किया गया है। दृश्य छोटे छोटे और मंचन सरल है। यह संकेत क्या होते हैं? संकेत मतलब नाटककार अपने नाटक में कुछ संकेत लिख देता है और वो काम आता है किसका? डायरेक्टर का। डायरेक्टर जब नाटक को डायरेक्ट करता है तो वह देखता है कहां पर रोशनी कम होगी, कहां पर रोशनी ज्यादा होगी, कहां पर सिर झुका कर कोई किरदार बैठा हुआ है, कहीं पर वह गुमसुम या उदास बैठा हुआ है, कहां पर मुस्कुरा रहा है। तो ये जो रंग संकेत होते हैं, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ा फटा हुआ है कि मैला कुचैला है, कि राजसी वस्त्र धारण किया हुआ है, कि दुखी है कि खुश है, कहां रोशनी है, कहां रोशनी कम है, कहां रोशनी ज्यादा रहेगी, कहां थोड़ा अंधेरा रहेगा। तो ये जो संकेत करता है, जो नाटककार बता देता है डायरेक्टर को आपको इस तरह से इसको यहाँ पर करना है, इसको बोलता है संकेत। और इसमें दृश्य बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत लंबे लंबे दृश्य नहीं है, लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं है। तो यह मंचन में क्या है? सरल है। लेखक ने रंग सज्जा और क्रिया व्यापार, रंग सज्जा मतलब ये जो मैं बताया हूं आपको कि कहां पर किस प्रकार का पर्दा रहेगा, किस प्रकार का चित्र रहेगा, और क्रिया व्यापार मतलब एक्शंस, हाउ डू द कैरेक्टर्स परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। सो इट मीन्स दीज आर सम इंडिकेशंस गिवन बाय द राइटर टू द डायरेक्टर दैट हाउ टू परफॉर्म द प्ले इन द थिएटर। तो ये होता है, मतलब लेखक ने रंग सज्जा मतलब डायरेक्टर के लिए कि आपको यहाँ पर कैसा कपड़ा उसको पहनाना है करेक्टर को, कहाँ पर अंधेरा, कहाँ पर रोशनी, रंग सज्जा। और क्रिया व्यापार मतलब हाउ विल दे परफॉर्म देयर वेरियस एक्शंस इन देयर डायलॉग्स, कि वे अपने डायलॉग्स को कैसे कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, एक्शन कैसे करेंगे। आवश्यक संकेत भी ध्रुव स्वामी में यथा स्थान दे दिए। इस प्रकार अभिनेता की दृष्टि से ध्रुव स्वामी एक सफल नाटक है। इट मीन्स इट्स अगेन अ सक्सेसफुल प्ले विथ रिफरेंस टू रंगमंचीता अथवा अभिनेता। अभिनय करना मतलब एक्टिंग, विथ रिफरेंस टू एक्टिंग दिस प्ले इज अ सक्सेसफुल प्ले। इट मीन्स सो फार एज द एक्शन इज कंसर्न इट इज परफेक्ट। तो यह हो गया अभिनेता की दृष्टि से, एक्टिंग की दृष्टि से भी यह क्या है? परफेक्ट नाटक है। और देश काल और वातावरण, मतलब किस प्रकार का देश काल है, किस प्रकार का वातावरण है। ध्रुव स्वामी नाटक द्वारा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। मतलब जिस ध्रुव स्वामी के समय में किस तरह का वातावरण था गुप्त काल में, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, इस पर पर्याप्त रोशनी डाली गई है। सम्राट समुद्रगुप्त के दिग्विजयों से गुप्त वंश
का वैभव और कीर्ति चारों ओर फैल गई थी। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त अपने अमात्य अर्थात मंत्री शिखर स्वामी के षड्यंत्र से गद्दी पर बैठा। यह बात नाटक में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है कि उस समय भी तत्कालीन राजघरानों में कुचक्र और षड्यंत्र की भावना मौजूद थी। मतलब जो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त हैं, उन्होंने चारों ओर दिग्विजय किया, बहुत से राज्यों को उन्होंने जीता और यह व्यवस्था की गई, उन्होंने यह व्यवस्था की कि जिस भी राज्य को विजित करेंगे वहां के राजा अपनी बेटी को गुप्त कुल में विवाह के लिए दे देगा। वहीं से ध्रुवस्वामी आई थी, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद अराजकता फैल जाती है। जो रामगुप्त है वह अपने मंत्री अमात्य शिखर स्वामी के साथ षड्यंत्र करके गद्दी पर बैठ जाता है और ध्रुवस्वामी से विवाह भी कर लेता है। तो कुल मिलाकर उस समय भी षड्यंत्र चलता था, रामगुप्त ने षड्यंत्र किया। तो ऐसा नहीं कि खाली मुगल काल में या फिर अन्य समय में षड्यंत्र चालू हुआ, उस समय गुप्त काल में भी षड्यंत्र चलता था राजघराने में। प्रसाद ने तत्कालीन वातावरण का इस नाटक में बड़ा सुंदर व सटीक वर्णन किया है। नैतिकता, संस्कृति, धार्मिकता और सामाजिक दृष्टि से गुप्त काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में मान्य रहा है, इसका भी सजीव वर्णन प्रसाद जी ने इस नाटक में किया है। मतलब सांस्कृतिक रूप से, कला के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसका सजीव चित्रण प्रसाद जी ने अपने नाटक में किया है। अब इस नाटक का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्ले? व्हाई द ऑथर हैज रिटन दिस प्ले? इसको हम देखते हैं कि लेखक का उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। प्रसाद के सभी नाटक कोई ना कोई उद्देश्य लेकर लिखे गए हैं, पर्पसफुली लिखे गए हैं। उनके सभी नाटकों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक में भी तत्कालीन नारी की समस्याओं को उठाया। मतलब ये तो है तो नाटक ऐतिहासिक, लेकिन उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी, जो उनका दमन किया जाता था, जो उनका शोषण किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, तो वो समस्याएं उस समय तो थी, लेकिन ये समस्याएं आज भी प्रासंगिक है। इसलिए इतिहास का सहारा लेकर उन्होंने वर्तमान समय में नारी मुक्ति जो आंदोलन है उसकी आवाज को मुखर किया है, बुलंद किया है, उनकी समस्याओं को उठाया है। प्रसादकालीन नारी की दशा अत्यंत दयनीय थी। उसे अपमानित और पद दलित किया जाता था, शोषण किया जाता था, अपमानित किया जाता था। प्रसाद का इस नाटक को लिखने का उद्देश्य आधुनिक नारी की समस्या को प्रस्तुत करते हुए जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना था। वे नारी को उनके आदर्श रूप में देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर इस नाटक के माध्यम से उन्होंने तीन चार चीजों को उठाया है। पहला तो यह कि यदि किसी महिला का पति शराबी है या फिर कायर है या फिर नपुंसक है, तो क्या उसको उससे तलाक लेना चाहिए कि नहीं? क्या महिला को पति से प्रताड़ित होना चाहिए कि नहीं? क्या उसे पुनः विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो इन सारी बातों को उन्होंने उठाया है और उसका समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी कोमा द्वारा ध्रुव स्वामी को फटकार दिलवाते हैं। कोमा ध्रुव स्वामी क्या बोलती है? कोमा नाम की जो पात यहाँ पर जो महिला कैरेक्टर है कोमा, ये क्या है, उसकी जो शक राज है उनकी प्रेम, ये शक राज को प्रेम करती है, तो वो क्या कहती है देखिए ध्रुव स्वामी को। रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारे विजय का अंधकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। मतलब यह कहना चाहिए कि प्रत्येक महिला या प्रत्येक स्त्री कभी न कभी किसी न किसी पुरुष के प्यार में पड़ती है और उसके प्रेम में जरूर पड़ती है, और उसकी जो कसक है, प्रेम की जो पीड़ा है, वह जीवन भर उसके मन में बनी रहती है। तो ज्यादा मैं डीप में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, आपको टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, अब यह निष्कर्ष है, अब हम बता रहे हैं कि यह जो नाटक है कितना सफल है और कितना असफल है, जो नाटक के एलिमेंट्स है, जो नाटक है के तत्व हैं, तात्विक समीक्षा के आधार पर यह कितना सफल है कि कितना असफल है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नाटक की कथा वस्तु प्लॉट तीन अंकों में विभक्त है, तीन भाग हैं इसके, नाटक के तीन अंकों में है। कथा वस्तु रोचक है, संक्षिप्त है, गतिशील है, जो नाटक के लिए बहुत जरूरी है, सफल नाटक के लिए। दूसरा, अन्य नाटकों की तुलना में ध्रुव स्वामी नाटक की भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है, बहुत ही सरल सहज भाषा है, प्रवाहपूर्ण है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पढ़ के समझ सकता है। इसके बाद संवाद भी छोटे छोटे हैं तथा दार्शनिकता से बोझिल नहीं है, छोटे छोटे डायलॉग्स हैं और ज्यादा फिलॉसफी उसमें नहीं है। गीतों की संख्या भी सीमित है, गीतों की संख्या भी कम ही गीत उन्होंने डाले हैं। तो पहले जो नाटक लिखते थे बहुत सारे गीत डालते थे उसमें, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत कम गीत डाले हैं। पांचवा, नाटक में यथासंभव अभिनय दृश्य हैं, मतलब ऐसे दृश्य डाले हैं जिसको अभिनीत किया जा सकता है, जिसको जो विभिन्न जो कैरेक्टर हैं वो उसकी एक्टिंग कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं का अभाव है जिन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
ऐसी घटनाएं इस नाटक में नहीं है जिन्हें रंगमंच पर, जिन्हें थिएटर पर प्रस्तुत करना कलाकारों के लिए बहुत ही कठिन हो और निर्देशक के लिए भी बहुत कठिन हो। पात्र संख्या सीमित है जो अभिनय नाटक के लिए आवश्यक है। पात्रों की संख्या बहुत कम है क्योंकि पात्रों की संख्या जितने कम होते हैं उतने ही वह नाटक ज्यादा अभिनय होता है, एक्टिंग के योग्य होता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद जी का ध्रुव स्वामी लिखने का उद्देश्य बहुत महान था। अतः ध्रुव स्वामी नाटक के सभी तत्वों, कथानक, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, संवाद, देश काल वातावरण, रंगमंचिता के आधार पर एक सफल नाटक है। इस प्रकार हमने देखा कि नाटक का जो तात्विक विवेचन है उसमें इन सभी बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होती है। इसके आधार पर आपको समीक्षा करना होता है कि यह नाटक सफल है कि असफल है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक महत्वपूर्ण बात, इस नाटक का जो इस लेक्चर का पीडीएफ है, अरे खुश तो बहुत हो गए आप लोग, इस नाटक का जो पीडीएफ है वह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का प्रयास आपको कैसा लगा। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।